नागपुर शहर में फरवरी माह में अब तक शहर में 13 हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसा लगता है कि अपराधियों को पुलिस का कोई भय ही नहीं है। हत्याओं की घटनाओं को रोकने में नागपुर पुलिस की विफलता के कारण शहर में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। शहर के राजनगर इलाके में आज एक और हत्या की भयावह घटना घटी है, जिसमें नागपुर के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र के फोटो जर्नलिस्ट रह चुके विनय उर्फ बबलू पुनेकर की उनके घर में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विनय सदर इलाके के राजनगर स्थित अपने घर पर थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक को गोली गले में लगी थी। मौका ए वारदात पर हत्यारे के साथ झूमा झटकी के भी साक्ष्य दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज में घटना के समय एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके संबंध में कोई सुराग नहीं मिल सका है। माना जा रहा है कि इस व्यक्ति का ही वारदात में हाथ हो सकता है। राजनगर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही नागपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। प्राथमिक जो दिसते की गोळी गळ्यावरती मारलेली आहे आणि त्याच्या सकाळची खाली केस पण त्या ठिकाणी स्पॉटला मिळालेली आहे। एक राउंड दिसतोय प्राथमिक फायर झालेला। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।